महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बीते दिनों शराब के ठेके में आगजनी कर लूटपाट करने के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। पुरानी रंजिश रखते हुए आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। महेंद्रगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देशानुसार थाना सदर महेंद्रगढ़ वसीआई महेंद्रगढ़ की टीम ने शराब के ठेके में आग लगाने और सेल्समैन के साथ मारपीट कर पैसे छीन कर ले जाने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपितों से वारदात के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस ने पता लगाया कि आरोपित सुनील उर्फ जुल्ला के चचेरे भाई तूफान की ठेके में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस बात की रंजिश रखते हुए आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिनकी पहचान सुनील उर्फ जुल्ला वासी बेरी और बिजेंद्र उर्फ मनी वासी नागल हरनाथ के रूप में हुई। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपितों से वारदात के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस ने पता लगाया कि आरोपित सुनील उर्फ जुल्ला के चचेरे भाई तूफान की ठेके में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस बात की रंजिश रखते हुए आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपित आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ पहले भी करीब एक एक दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपित सुनील उर्फ जुल्ला के खिलाफ पहले भी रेप, अपहरण, छेड़छाड़, सेंधमारी, छीना झपटी, मारपीट के तहत 11 मामले दर्ज हैं और आरोपित बिजेंद्र उर्फ मनी के खिलाफ अपहरण, लूट, छीना झपटी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 26 अगस्त को थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायतकर्ता रूपेश वासी छाजियावास ने ठेके में आग लगाने और सेल्समैन से पैसे छीनने के मामले की शिकायत दी थी, जिसने बताया कि गांव बेरी और भांडोर की सीमा पर शराब का ठेका ले रखा है। दिनांक 25 अगस्त की रात को समय करीब 12 बजे उसको सूचना मिली कि बेरी भांडोर वाले ठेके में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। सूचना पर वह ठेके पर पहुंचा। ठेके के सेल्समैन गौरवपाल वासी उशमालपुर थाना कन्नौज यूपी ने बताया कि दो व्यक्ति ठेके पर आए और उसको को बाहर निकलने के लिए बोला और कहा कि बाहर नहीं निकला तो ठेके के अंदर ही जला देंगे। इसके बाद आरोपितों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर नकदी छीन कर ले गए और जाते समय सेल्समैन को जान से मारने की धमकी देकर गए। शिकायतकर्ता ने ठेके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड व पुलिस को 112 पर कॉल करके बुलाया। शिकायतकर्ता ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ने ठेके में आग लगाने और नकदी छीनने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीमों का गठन कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिनके तहत गठित टीमों ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आरोपितों को आज न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आज सतनाली और महेंद्रगढ़ थानों का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फरियादियों की शिकायतें भी सुनी और उनका समाधान किया गया। एसपी ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएसपी रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिले भर में सभी थानों से ग्राम प्रहरी और सहायक ग्राम प्रहरी नियुक्त किए हुए हैं। ग्राम प्रहरी गांवों वार्डो के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, आदत अपराधियों, वरिष्ठ नागरिकों का डाटा एकत्रित कर ग्राम प्रहरी ऐप में अपडेट करेंगे। क्राइम कंट्रोल को लेकर उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलकर उन पर निगरानी रखी जाएगी। नशे को लेकर उन्होंने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों, नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जा रही है और बार बार नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के तहत डिटेंशन की कार्रवाई भी कराई जा रही है। आज किस बात को लेकर सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस है? तो इसमें बेसिकली एक अभी जो हमारा सदर महेंद्रगढ़ है उसके एक एरिया में आप लोगों को पता चला कि ठेके में रात में आग लगाने की वारदात हुई थी। तो ये 25-26 अगस्त के रात की बात है। इसमें करीब 1-2 बजे के आसपास कुछ शरारती लोगों ने रात में ठेके में आग लगा दी थी और पैसे छीनने की भी इस बारे में कंप्लेंट आई थी। तो उसमें हमारी पुलिस ने बहुत ही तीव्रता से काम करते हुए दो एक्यूज्ड, जिनका नाम सुनील है, सुनील उर्फ जुला जो बेरी से है और बिजेंद्र उर्फ मणि जो नांगल हरनाथ से है, इन दोनों एक्यूज़ को अरेस्ट कराए। और फिर इन्होंने बताया कि इनकी जो एक एक्यूज़ था, इनमें से सुनील का एक भाई था जो इस ठेके में पहले काम करता था, जिसकी पिछले साल ठेके में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो कुछ वो रंजिश थी और कुछ ठेकेदारों से इनकी रंजिश थी, जिसके चलते इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये दोनों जो एक्यूज़ हैं ये हमारे थानों के हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं, जिनके करीब 1 के 11 मुकदमे हैं और 1 के 13 मुकदमे हैं। और ये सारे मुकदमे या तो लड़ाई झगड़े के हैं, पीओ के हैं और मतलब और भी जघन्य अपराध, स्नैचिंग वगैरह के और लूटपाट के, ऐसे पहले भी इनके ऊपर मुकदमे रहे हैं।
तो इसमें हमारी CIA ने और SHO की टीम ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम इसमें किया है, और जो भी ये वारदात हुई थी इस टाइप की वारदात को इतनी जल्दी हमने ट्रेस करके, बस आप लोग के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके की वारदात, इस तरीके की जघन्य वारदात करता है तो उस पर पुलिस बहुत ही तीव्रता से काम करेगी, और किसी भी तरीके की गुंडागर्दी या वो महेंद्रगढ़ में या पूरे नारनौल ज़िले में बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, और इसको लेकर पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर किस तरीके की कदम? देखिए, पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर सबसे पहले तो हमारा इसमें यही है कि कोई भी बड़ा इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए इन एक्यूज़ को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें, और हमारा यही रहेगा कि इस तरीके के एक्यूज़ की हम हिस्ट्री शीट थानों में खोलें और इन पे रेगुलर हमारी इन पे एक तरीके से हम उनको निगरानी रहे हमारी। और दूसरा, अभी पुलिस की एक नई मुहिम चली है ग्राम प्रहरी करके, जिसमें सभी थानों से जो भी इंचार्जेस हैं, हेड कॉन्स्टेबल हैं, NGO हैं, उनको सभी को कुछ कुछ गांव अलॉट करे गए हैं। उन गांवों में जो भी गलत काम हो रहा है या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो ग्राम प्रहरी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे और उस पर हम अलग से बिल्कुल इस पर कार्रवाई करी जाएगी, और ग्राम प्रहरी की परफॉर्मेंस भी इस तरीके से देखी जाएगी कि उन्होंने कितने इस टाइप के वारदातों को उन्होंने ट्रेस किया है या कितनी केसों में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। सर, तो कोई और भी आरोपी बाकी है इसमें? इस मामले में कोई और आरोपी बाकी है? दो नहीं, इसमें दो आरोपी थे, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। सर, नशे को लेकर पुलिस कितना अवेयर है, किस तरीके का कार्रवाई कर रही है? देखिए, नशे को लेकर भले ही वो अवैध तरीके से अगर कोई दारू बेच रहा हो या फिर इवन हमारे कोई NDPS सब्सटेंस जो है वो भी अगर बेच रहे हो, तो पुलिस उसमें पूरी तरीके से सजग है, और इसमें जो भी हमारे रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं जो बार बार नशे का बेल पे आ जाते हैं फिर नशा बेचते हैं, तो उसमें पुलिस फिट NDPS की भी कार्रवाई कर रही है, जिसमें हम उनको एक तरीके से डिटेंशन के लिए उसका प्रपोजल बना के MHA में भी भेजते हैं, और उनका अप्रूव होता है तो उनको डिटेंशन के लिए भी भेजते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो या फिर ये हो, ताकि किसी भी क्रिमिनल के अगर हम उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर वार करते हैं तो उस पर ज़्यादा उसको इफेक्ट होता है उस चीज़ का, तो इस पर अब पुलिस का विशेष ध्यान है और उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, महेंद्रगढ़ के गुड्डा पार्क के बराबर में एक ITI की पुरानी बिल्डिंग खोली है, जिसके अंदर देखा जाता है कि अमूमन नशा करने वाले लोग वहाँ शाम के समय में पाए जाते हैं, और पिछले 3 दिन पहले भी एक ऐसे ही नशा करने वाले व्यक्ति को पकड़ा था जो कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने उसमें पकड़ा है एक्यूज़ को, क्योंकि पुलिस वहाँ पे मतलब हम सिविल ड्रेस में भी थी और वो लोग भी इधर उस एरिया में अपनी रेकी कर रहे थे, तो इस टाइप के जो भी इंसिडेंट होंगे वहाँ पे हम पुलिस बल भी ज़्यादा तैनात करेंगे, ताकि वहाँ पहली तो बात तो लोग आए नहीं, और आएंगे तो उन पर हम कार्रवाई इसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी करेंगे। सर, शहर में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कैमरे लगाए थे CCTV के अंदर चौकों पर और जो मुख्य जगह वहाँ पर, और उससे काफ़ी फ़ायदा मिला था क्राइम पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं कि जो कैमरे वो ख़राब है, रख रखाव के अभाव को लेकर, तो इसको लेके क्या? आज ही जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारे तीनों थाने हैं महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न के, उन तीनों थानों में विज़िट करी है और इन कैमरे के बारे में भी जायज़ा लिया है, तो उसमें यही बताया गया है कि कुछ रोड हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से जो फाइबर्स थे वो एक तरीके से उनको एक थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा है, तो इसको हम यही इंश्योर करेंगे जितने बाकी कैमरेज हमारे चल रहे हैं उसमें, जिससे हमें क्राइम को ट्रेस करने में बाकी सभी चीज़ों में मदद मिल भी रही है, आगे भी मिलती आएगी, और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे बाकी कैमरे भी चालू हो जाएंगे। मैं यहाँ के लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि और भी लोग अगर आगे आके सामने आके हमारे साथ इसमें सहयोग करना चाहते हैं और भी कैमरा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, जिससे हमारी मॉनिटरिंग और बेटर होगी और क्राइम पर भी कंट्रोल होगी। सर, सतनाड़ चौक पर एक दुकान के ऊपर सरेआम लूट की घटना हुई थी और वहाँ पर गोली भी चली थी, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो नहीं पकड़े गए, तो इसको लेके क्या करना चाहिए? एक बार मैं इस मैटर में और इसको और डिटेल में देख के इसमें अगर किसी CIA में क्या लीड आई है उसके बारे में अपडेट लेके। सर, चोरी की घटनाएं जैसे काफ़ी हो रही है ज़िले में, काफ़ी पीछे भी चोरियाँ हुई थी और अब फिर दोबारा से वही सिलसिला चल पड़ा है, उस पर किस तरह से क्या लगा? देखिए, अभी हम वही है कि हम एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं SHO के थ्रू भी, मैंने भी क्राइम मीटिंग इस बारे में ली है थानों में जाके,
जितने भी हमारी चोरी की वारदात हुई उनके बारे में स्पेसिफिकली उनसे जानकारी ली है, और ऐसे कुछ अगर एरियाज होंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई करके वो पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाएंगे। सर कई बार ये देखने में आता है कि पुलिस काम करती है अच्छा, लेकिन जो स्टाफ की कमी है वो भी एक बड़ी परेशानी है इस, तो इसको स्टाफ की कमी तो मैं बोलूँगा कहाँ नहीं होती, सभी जगह होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास पुलिस फोर्स है हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा सही से हम प्रयोग कर पाए, और मतलब उसमें क्योंकि स्टाफ की देखिए अब हमारी बहुत सारी ERVs हैं उनमें भी स्टाफ लगा है, तो एक तरीके से वो भी हमारी फोर्स ही है और वो एक तरीके से क्राइम प्रिवेंशन कर रहे हैं बहुत हद तक। जब ERV कोई मौके पर पहुंच जाती है तो आप समझिए कि एक क्राइम होने से रुकता है जो और बढ़ सकता था, वो एक तरीके से आज बच्चे बच्चे की जुबान पे 112 का नाम है। ठीक है, तो वो भी हमारा स्टाफ है, हम कोशिश करेंगे कि उसको और इफेक्टिवली यूज़ करें ताकि जो फोर्स की कमी है हम उसको पूरा कर सकें। मीडिया के माध्यम से जनता को क्या समझे? देखिए मीडिया के माध्यम से मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई और सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उस चीज़ को सुनेंगे, और मतलब उसमें उसके अलावा भी आपके सुझाव आपके हैं पुलिस प्रशासन के, और बेहतर हम किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स बना सकें वो भी हम पूरे तरीके से सुनेंगे। और यही रहेगा कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी गैंग रिलेटेड एक्टिविटी अगर होगी तो उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा और इसमें जम के कार्रवाई करेंगे। Thank you.